अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम डेटा न्यूज़। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम डेटा न्यूज़, हैदराबाद। सनत नगर पुलिस ने श्रीनिवास राव के कातिलों को गिरफ्तार किया। A1 मिर्जा हारून 38 साल, A3 सैयद यासिन अली 34 साल, A4 मोहम्मद इब्राहिम 22 साल, A5 मोहम्मद खलील 24 साल, A6 ताजुद्दीन 24 साल, A7 सुनील सिंह 26 साल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साजिद फरार बताया गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग को आज अदालती तहवील में दे दिया गया है। और ये झगड़ा और ये कत्ल एक छोटी सी बात को लेकर हुआ है। जब मीडिया के पूछने पर कि कत्ल की वजह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि मोहम्मद साजिद जब पकड़ा जाएगा तो साफ साफ पता चलेगा। यानी पुलिस के पास भी अधूरी रिपोर्ट है, जिसकी बुनियाद पर ये लोगों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। देखना है कि मोहम्मद साजिद जब गिरफ्तार होगा तो ये कत्ल की वजह क्या है पता चलेगी। जब तक पुलिस की तहकीकात अभी जारी रहेगी, देखना है कि पुलिस वाकई कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है या फिर तहकीकात के नाम पर तहकीकात करता है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तारीख के सुबह सुबह एक श्रीनिवास राव का मर्डर हुआ था। वो उनका बहन का नागामणि का कंप्लेंट के ऊपर रजिस्टर करे, केस रजिस्टर करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में हाउस कॉर्ड भी बुलाए और इसके बाद सिक्स कैमरा सेल फोन टावर टाइम 15 जो एक्यूज कौन है बोल के आइडेंटिफाई करें। इसमें अरुण पेग बोल के मेन पर्सन है। ये श्रीनिवास राव को ईसा नगर पुलिस स्टेशन से पाया था 15 नाइट में। वहाँ से उनके मोटरसाइकिल पर बैठ के आके ये उनके फ्रेंड्स के साथ बीयर पिला, पीने के बाद दोनों के बीच में कुछ आल्टरनेशन हुआ और तुम पार्टी में उसमें से लड़ रहे और टाइपू सबसे बच्चों से लड़ रहे, बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम है। बात करें दरवाजा का चकला रहता था वो लेके मारे, मारने के बाद वो गिर गया नीचे। नीचे गिरने के बाद फिर पूरे हारून ने दो मार मारे मारे तो वहाँ मार के मार दिया। मर जाने के बाद सो भाग गए। भाग जाने के बाद उनका दोस्त सलीम और हारून दोनों मिलकर एक जगह भाग गए और उनका दोस्त अबरा साजिद और अबरा ताज और खलील इन लोगों को मदद करे, पैसा जैसे वो जाके सप्लाई करे। और ये उन लोग 9 मिले जैसा उन लोगों को कंसलमेंट में रखे। आज तक उन्हें कंसलमेंट में रह के आज कल शाम में यूसुफपुरा एरिया में फिर बोलते हैं इंटरनेशनल आए तो पकड़ के अगर आके इंटरग्रेशन करें तो उन्हें पूरा ऐसा पैसा करके कंटेस्ट करें। श्रीनिवास राव उनके बीच में कोई बड़ी दुश्मन तो नहीं है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स है। लेकिन उस दिन पीने के वजह से और श्रीनिवास राव भी पीने की वजह से दोनों के बीच में ये जो अल्टरकेशन ज़्यादा होकर और उन लोगों को मार देगा। इसमें 6 आदमी को गिरफ्तार करें और एक साजिश बोल के स्कैंडिंग है उनके वास्ते गोले अरेस्ट करने के बाद पूरा केस कंक्लूजन होगा। सर ये झगड़ा पॉलिटिकल झगड़ा था या नहीं तो कुछ बिजनेस का कुछ झगड़ा? पॉलिटिकल नहीं, बिजनेस नहीं, ये क्या करें ठीक है करें सो है। कोई बड़ा बड़ा डिस्प्यूट है कोई लैंड का? फर्स्ट अटैक इन्हें झारू कर सर, ये प्लानिंग था सर मैं करने का। तो प्लान नहीं है जब का जब चाइस का मर्डर, जब सुनील यादव टीका उन लोगों को ठीक है तो ये श्रीनिवास के बारे में याद आया। याद आ गया श्रीनिवास में चाहे उनको वहाँ बढ़ जाएंगे चलो निकला। और ये उनके दिल में चाहे मारेंगे करके उसमें बच्चे के उन लोग लेकिन वो आने के बाद भी और मदद करें बोलने के बाद तो मदद नहीं करना था। वो मदद करना भी क्राइम है, जो मदद करे इसलिए उन लोगों को भी अरेस्ट करना। सर ये अबरार का और सुनील से झगड़ा था तो हारून इसके ऊपर मनसूबा बनाया करते अबरार से, और जो झगड़ा हुआ था एक ही गार्डन में सुनील से और अबरार से झगड़ा हुआ
झगड़ा अलग है, हिसारनगर पीएस का, हिसारनगर पीएस का है और झगड़ा उसको कोई तालका नहीं। श्रीनिवास राव के घर के सामने रहता है, श्रीनिवास राव अंचलमाल में हैसो वालों से झगड़ा हुआ। अच्छा, उसमें कोई बड़ा झगड़ा नहीं, उनका न्यूसेंस का केस है। श्रीनिवास राव न्यूसेंस करने को सुनील यादव को नहीं था, क्या सुनील यादव श्रीनिवास राव के साथ अपार्टमेंट सेम अपार्टमेंट में रहता और उनको जरा अस्टेट जैसा काम करता, उनको ड्राइविंग नहीं आता, उनके ड्राइविंग आता उनको गाड़ी हाई टूटी गाड़ी कभी कभी गाड़ी चलाता, वो क्लोज एसोसिएशन समझो, उनका उम्र में बहुत डिफरेंस है, क्लोज पर्सन भी कैसे रहता है, क्योंकि उसका मैं आपकी बच्चे नहीं हुई नहीं है, उसका भाई भी अबराज में रह रहे, अकेले रह रहे, सब कुछ मदद करते रहता हूँ। थैंक यू सर। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।